आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्या स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए तो उनको अपने एक लेक्चर के लिए कितने पैसे मिलते थे। स्वामी विवेकानंद जब बम्बई से शिकागो के लिए गए और जब वो शिकागो पहुँचे तो उन्होंने अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया। उस समय वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति थे, उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन 11 सितंबर 1893 को जो विश्व धर्म महासभा हुई शिकागो के शहर में, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जो प्रथम दिन जो लेक्चर दिया 11 सितंबर को, विश्व धर्म महासभा जो थी वो 17 दिन चली थी और उसके दौरान स्वामी विवेकानंद ने 6 लेक्चर्स दिए थे। तो उसके जो पहले ही दिवस जो स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर दिया, उसके बाद ही स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण अमेरिका में, यूरोप के अलग अलग देशों में स्वामी विवेकानंद के बारे में आर्टिकल्स आने लगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, अखबारों ने स्वामी विवेकानंद को कवर किया। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के पोस्टर्स लग गए और स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म महासभा में जो आने वाले लेक्चर्स दिए उसको सुनने के लिए भी एक भारी भीड़ उमड़ पड़ी स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए। 11 सितंबर और उसके बाद 17 दिवस से चलने वाले विश्व धर्म महासभा के बाद जब स्वामी विवेकानंद घर घर प्रसिद्ध हो गए तो लोग उनको अलग अलग लेवल पर बुलाने लगे, क्या स्वामी विवेकानंद आप यहाँ भी आइए लेक्चर्स देने, आप वहाँ पे भी आइए लेक्चर्स देने। तो स्वामी विवेकानंद तो यहाँ से गए थे एक कमंडलू लेकर, हाथ में श्रीमद् भगवद गीता थी संपूर्ण और अपने गेरुआ वस्त्र। इसके सिवाय तो स्वामी विवेकानंद के पास वहाँ पर बहुत कुछ था नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का जो पालन पोषण वहाँ पर चलना था, जो खाना दाना पानी चलना था, वो जो स्वामी विवेकानंद लेक्चर्स दे रहे थे, जो क्लासेस ले रहे थे, उसके माध्यम से ही जो कुछ उनको पैसा मिलता था उसके द्वारा ही चलता था। दूसरा, स्वामी विवेकानंद का ये स्वप्न भी था कि वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा कर कर वो भारत लेके आएंगे और भारत में वो जो सामाजिक कार्य शुरू करना चाहते थे उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें वो बहुत स्तर पर सफल नहीं हो पाए। स्वामी विवेकानंद को एक लेक्चर के लिए कितने पैसे मिलते थे, इसका पहला रेफरेंस मिलता है 11 सितंबर के बाद अगले महीने 10 अक्टूबर 1893 को ही श्रीमती वुड को एक पत्र में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं क्या जो अभी उन्होंने जो लेक्चर दिया है उसके लिए उनको $78 मिले, उस समय के $78। लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद को $78 मिलते थे हर एक लेक्चर के लिए, ऐसा नहीं है। तब तो स्वामी विवेकानंद ने एक इंडिपेंडेंट लेक्चर दिया था। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद लेक्चर्स देने लगे तो उनको एक लेक्चर ब्यूरो ने हायर कर लिया। वो लेक्चर ब्यूरो क्या करेगा, क्या वो स्वामी विवेकानंद के जो सारे संपूर्ण जो अमेरिका में लेक्चर्स होंगे उसको मैनेज करेगा। स्वामी विवेकानंद वहां पे जाएंगे और लेक्चर देंगे, वो स्वामी विवेकानंद की सारी चीजों को मैनेज करेगा। स्वामी विवेकानंद अपने आने वाले पत्रों में ऐसे लिखते हैं क्या लेक्चर ब्यूरो के कार्य से वो एकदम से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे। स्वाभाविक है, एक युवा सन्यासी, सन्यासी जितने अपना घर बार, नाम पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ दिया, जो हाथ में कुछ नहीं रखता है, इकट्ठा कुछ नहीं करता है, वो ऐसे मैनेज्ड एक कमर्शियल फर्म के थ्रू अगर कार्य करेगा तो स्वाभाविक है परेशान तो होना ही था स्वामी जी को। और वो लेक्चर ब्यूरो अपने हिसाब से अब स्वामी विवेकानंद को यूज करने लगा। तो स्वामी विवेकानंद बाद में अपने एक पत्र जो कि 11 जुलाई 1894 को उन्होंने अपने शिष्य अला सिंगा पेरुमल को लिखा है, उसमें स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि डिट्रॉयट के व्याख्यान के लिए मुझे $900 अर्थात 2700 रुपये मिले। जहाँ तक अन्य व्याख्यानों का संबंध है, एक व्याख्यान के लिए मुझे $2500 अर्थात 7500 रुपये एकत्र हुए, किंतु मुझे केवल $200 ही दिए गए। मेरा एक दुष्ट लेक्चर ब्यूरो द्वारा शोषण किया गया, मैंने अब इससे छुटकारा पा लिया है। स्वामी विवेकानंद ने फिर लेक्चर ब्यूरो से अपना जो संबंध था वो तोड़ लिया था। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट क्लासेस और इंडिपेंडेंट लेक्चर ही आगे देते रहे।
उसकी जानकारी हमें अन्य किसी स्रोत में नहीं मिलती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद किसी भी स्थिति में इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, क्या वो भारत में कुछ पैसा लेके आए? वो अपना जो उनका ट्रैवलिंग था, उनका जो खान पान था, उनका जो रहना था, उसी में ही जितना वो कमाते थे उसी में ही वो पैसा लग जाता था उनकी कक्षाओं का। और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु भाई को भी अमेरिका भी बुलाया, और अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस आए, जब पश्चिम से जब भारत वापस आए, तो अमेरिका का कार्य भी थोड़ा सा शुरू करके आए थे, तो कुछ पैसा वहाँ पर भी लगाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।